सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। गेड़ी टॉक चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि गेड़ी मारेंगे बातें करेंगे, तो आज जो इस शो पे शख्स आ रहे हैं वो एक स्विगी बड़ा बंदा है। तो क्योंकि वो बंदे से मैंने थोड़े दिन पहले ही मिला था, तो जब मैं शो स्टार्ट करना चाहता था तो उससे कुछ ऐसे बातें, मैं कहा भाई तुझे भी ज़रूर बुलाऊँगा, तेरे भी एक्सपीरियंस लूँगा, क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो होटल मैनेजमेंट करता था, उसको जॉब नहीं मिली, उसको मैंने स्विगी किया। तो स्विगी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करता हूँ पहले मैं, कि उसने बहुत सारे नौजवान को जॉब थी, जो कि बोला मैं अच्छा कमाता हूँ, और मैं क्या बढ़िया है यार। तो कई लोग उसको पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जिस वजह जॉब नहीं है चलो पार्ट टाइम, क्योंकि वो जॉब ऐसी है, उस जॉब के आप खुद राजे होते हैं, जब जी करे ऑन करते हैं, जब दिल करे बंद करते हैं। तो ऐसे जॉब बहुत कम मिलती हैं, और मैं जिससे बात की थी उसने बोला कि यार ये जॉब ऐसी है आपके हाथ में, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, आप किसी के अंडर होते हो, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, आप खुद राजे हो। इसने बुलाया, आप बंद किया, आप निकल गए। तो भाई उससे बात करते हैं अभी, उसको भी टाइम दिया था, अभी जाके मिलता हूँ, बाकी उससे सुनते हैं उसकी कैसी लाइफ है। और जिस इसने स्विगी करना है तो ये वीडियो देखिए, उनके लिए ज़रूर ये वीडियो बहुत लाहेबंद रहेगी, पंजाबी आगे लाहेबंद रहेगी, तो लाहेबंद मतलब बेनिफिट रहेगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मैं हर वीडियो में सीखता हूँ। ये वीडियो ऐसी है और चैनल ऐसा है, सॉरी, कि वन टेक होगा, जो भी पूछूंगा मेरे दिल में पूछूंगा, उसके दिल में वो बताएगा, वन टेक, इसमें कोई कट नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस ऐसे ही आ जाते हैं, रियल लाइफ पे शो है। तो देखते हैं, मिलते हैं जी, थैंक यू। हाय, नमस्ते, मैं जी आपका अपना सनी सिंह। तो मेरे साथ एक और भाई जुड़े हैं एक दूसरे ब्लॉक पे। भाई आपका नाम क्या था जी? मेरा नाम अदनान है। अदनान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। तो भाई मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी थी स्विगी के लिए। ओके। जो नए लड़के आते हैं उनको स्विगी करना होता है, मतलब ज्वाइन करना होता है, तो बोलते हैं टाइम पास भी कर लेते हैं, चल स्टडी के कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम जॉब हो जाती है ताकि खर्चा चले। ओके। तो और उसका क्या प्रोसीजर रहता है, मतलब कैसे इनकम कमाते हैं, मतलब क्या इनका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, तो बताएंगे भाई। सबसे पहले आपको अगर स्विगी में काम करना है तो आपने एक बेस्ट ऑप्शन चुना है। अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आप एक बेस्ट अर्निंग कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम। फुल टाइम भी करना चाहो तो बहुत अच्छी खासी कमाई होती है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। अगर आप वक्त दोगे तो कम से कम आप दिन में 1500-1200 रुपये, पेट्रोल छोड़ के अगर आप 1000 रुपये तो कमा सकते हो। मतलब एक दिन में आप 1000 रुपये कमा सकते हो? हाँ, 1000 रुपये कमा सकते हो आराम से, लेकिन उसके लिए आपको दिन देना पड़ेगा। मतलब 12 घंटे? हाँ, 12 घंटे। तो ऐसा कुछ रहता है, मतलब जब बारिश पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा देता है स्विगी? हाँ, बारिश अगर जब गिरती है तभी सर्ज ऑन होता है, स्विगी सर्ज देती है। जैसे कि वो अभी किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर पे 25 रुपये फिक्स स्विगी देता है ऑलरेडी। अगर वही ऑर्डर अगर आपको बारिश में गिरे तो आपको 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का भी सर्ज मिलता है। ओके। तो फिर उस हिसाब से जैसे जितना किलोमीटर उतना होता है, तो उस हिसाब से स्विगी ऑर्डर देता है आपको। अच्छा, मतलब आपको एक एरिया होता है? एरिया होता है, आपका एक पर्टिकुलर जोन रहेगा, उस जोन के अंदर आपको जो है ऑर्डर मारना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करके डिलीवर करना पड़ेगा। ओके। मतलब आप 30,000 कमा सकते हो महीने का? जी डेली, मतलब मतलब एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि 30,000 तक कमा सकते हो, अगर आप ज़्यादा मेहनत करो तो 35-40 तक जाता है। मतलब अपने मेहनत के ऊपर? अपने मेहनत के ऊपर है। हाँ, जैसे आप कमाई करते हो, मतलब कितने आपकी डेडिकेशन है। ओके। आपने पढ़ाई कर ली भाई? जी, मैं एक होटल मैनेजमेंट किया, मैं शेफ हूँ। वो क्या बात है भाई, मैं किस बैठा हूँ तो अभी फिलहाल जॉब नहीं है मुझे, तो मैं सच में तो अभी खाली बैठने से अच्छा है कि कहीं पे आप इनकम कर ले। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है ब्रो, खाली बैठने से आप मेहनती हो तो बहुत ही बढ़िया है। जो बंदा काम करता है भूखा नहीं मरता, आप उसके मिसाल हो। तो भाई अगर जैसे क्या डॉक्यूमेंट लगता है, या बाइक कौन सी चाहिए, नंबर प्लेट पीली चाहिए नहीं चाहिए, होता नहीं कमर्शियल बाइक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सबसे पहले आपके नाम पे आपकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, उसका RC, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कौन से स्टेट में अगर आप काम करने वाले हो तो उस स्टेट का एक, मतलब बोलते हैं ना कि
बहुत ज़रूरी होता है कि उसी स्टेट का एड्रेस हो, एड्रेस प्रूफ हो, ताकि आपका जो आईडी है वो फटक से बन जाए, तो उसमें डिले ना हो। अगर आपको अप्लाई करना है स्विगी में, जैसे कि न्यू जॉइनर्स ज्वाइन करने के लिए देख रहे हैं, तो अच्छी खासी अर्निंग है, इसके लिए आप डायरेक्ट रेफर भी कर सकते हो कोई पुराने बंदे से, नहीं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आपका जो आईडी है वो एक घंटे के अंदर एक्टिवेट किया जाता है और आप ऑर्डर मार सकते हो। तो जो स्विगी वाला है बंदा वो घर पे आता है या फिर आपके ऑफिस में जाना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो टोटली ऑनलाइन रहेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपना आईडी चालू कर सकते हो। ओके, ये बढ़िया है। ऊपर से मैं शेफ भी हूँ, ऐसा तो नहीं भाई क्या चाहिए मैं बना के देता हूँ, मैं बाद में ले जाता हूँ। नहीं बढ़िया, तो मतलब ये आपका पार्ट टाइम जॉब है? नहीं नहीं, मैं फुल टाइम करता हूँ। अच्छा, फुल टाइम करते हो, कैसा मतलब? बढ़िया बंद, यहाँ पे बहुत सारे बंदे अभी जुड़ रहे हैं। देखिए, अभी बहुत सारे नए बंदे हायर कर रही है स्विगी, क्योंकि वैसे ऑर्डर है और ऑर्डर का फ्लो है, तो आप जो है बेहतर से ऑर्डर मानोगे तो आपका रेटिंग बढ़ेगा, अगर आपका रेटिंग बढ़ेगा तो आपका ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा। ओके, तो यार ये भी है कि 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हो, अगर 10 मिनट में लेट हो कुछ ऐसा तो नहीं? अभी बहुत ऐड है वो तो मतलब एक रहता है कि कंपनी अपनी तरफ से बोलती है, लेकिन एक टाइम रहता है, अगर आप जानबूझ के करोगे तो फिर आपका रेटिंग जो है वो गिर जाएगा और आपका जो कंप्लेंट है वो स्विगी आपको बता देगी वार्निंग, और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका आईडी शायद डीएक्टिवेट हो सकता है 48 आवर्स के लिए, तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं, ऐसा ना करो। ओके ओके भाई, मुझे बताओ, आपको तो बहुत सारे मतलब आपके कस्टमर मिलते होंगे जो घर पे जाते होंगे या कुछ, तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? नहीं ऐसा मतलब हर किसी का अलग अलग एटीट्यूड रहता है, कोई अच्छा रहता है तो कोई बहुत दिल से शुक्रिया भी बोलता है, थैंक यू भी बोलता है। कुछ कुछ कस्टमर उनको अगर वो खुश है या हम लोग की सर्विस में से खुश है तो टिप भी मिलती है, अच्छा ऐसा है। और कुछ कस्टमर रहते हैं थोड़े बहुत, ऐसा फनी किस्सा हुआ है आपके साथ ऑर्डर देते टाइम या कुछ ऐसा किस्सा कि आप सोच के ऐसे कि ऑर्डर देने के कैंसिल हो खुद ही खा रही है ऐसा? हाँ ऐसा एक दो बार तो हुआ है, जैसे कि बारिश का टाइम था और ऑर्डर थोड़ा गीला हुआ था पैकेट, तो उसमें से एक जो डब्बे मिक्स वेज की वो पड़ी हुई थी, तो मैंने ऑर्डर दे दिया और मेरा ध्यान नहीं था और लाइट भी चली गई थी एरिया में और अंधेरा था और डब्बा छूट गया, तो मैं बोला कस्टमर को कॉल किया, बोला सर आपका जो डब्बा है वो अभी एक घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ तो आपको मैं आके दे रहा हूँ, तो बोले कि बाबा रख लो मेरी तरफ से मैंने ऑलरेडी दूसरा ऑर्डर कर लिया। अच्छा ओके ओके, बोले ऐसे बहुत सारे होते हैं किससे, कभी कभार ऑर्डर कैंसिल होती है तो मिल जाते हैं खाने को, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है कि भाई कभी जैसे बहुत सारे पहले कम लोग होते थे तो ऑर्डर जाता थे, हाँ स्विगी में बहुत ज़्यादा हो गया, ऑर्डर कम हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं? और एक्चुअली अगर मैं एक हिडन पॉइंट बता दूँ स्विगी का एक साइकिल रहता है, वो आपको जो है ना, आपको जब भी ऑर्डर देना ना वो तब भी देगा। अच्छा ऐसा है, आप कितना भी घंटा लॉग इन करो, अगर उसको दोपहर तक आपको ऑर्डर देना है ना तो आपको 5-6 ऑर्डर देना है तो उतना ही देगा, फिर आपको एक घंटे में भी दे सकता है उतना। अच्छा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकता है, मतलब 15 मिनट फिर एक घंटा रुकी है, वो हमारे बंदे का ध्यान रखता है, ध्यान रखता है कि हर किसी को मतलब ज़्यादा कम नहीं, मतलब सबको काम दे, सबको काम देता है, मतलब बढ़िया है कि सबका पेट पाल रहा है और जो बच्चे फ्री हैं उनको इजीली जॉब प्रोवाइड करता है आराम से, तो वो अच्छा भी है एक मतलब देखा जाए। बेसिकली अगर गांव से अगर देखा जाए तो 30,000 गांव में बहुत होता था जो बंदे जॉब ही करते हैं, ये तो आपका मतलब फ्री, आप अपनी जॉब पे खुद राजी हो, आपको दिल करे बंद कर दो जी, दिल करके चलाओ, ऐसा फिक्स नहीं है ना कि आपको 24, आपके मन पे है, आपके मन के ऊपर है। इसमें जो है इंसेंटिव स्लॉट्स रहते हैं, तो आप अगर 15 टारगेट करते हो तो मंडे टू फ्राइडे 200 रुपये इंसेंटिव रहता है, जो मतलब ऐसा पेट्रोल आपका जो खर्चा है वो ऊपर का निकल जाए, तो वो इंसेंटिव रहता है, तो उसमें आपको कैसा है 12 से 3 आपको लॉग इन लेना पड़ता है कंपलसरी मैंडेटरी, आपको एक स्लॉट तो बुक कर मतलब करना ही पड़ता है, एक 12 से 3 रहता है, एक 7 से 11 रहता है। ओके, तो आपको इंसेंटिव चाहिए तो आपको वो स्लॉट्स बुक करके प्री बुक करके रख के उसी समय ऑर्डर मारना चाहिए।
अच्छा ऐसा है क्या, मतलब आपको टारगेट रखा है जितने ऑर्डर मारेंगे जितना आप जी जी बनाएंगे तो स्विगी देता है आपको बेनिफिट? हाँ मैं टारगेट आप रखते हो कि इतने टारगेट मारने 10 ऑर्डर मारने? हाँ मेरा तो टारगेट फिक्स रहता है कि 15 तो मेरा रहता ही है, लेकिन अगर कभी कभार अभी ऑर्डर फ्लो की वजह से 20 हुआ तो स्विगी कभी कभी मतलब ऐसा एक एक घंटे बाद आधे घंटे बाद देता है, तो मैं पेशेंस के साथ रुकता हूँ 12-1 बजे तक, तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और मुझे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। क्या बात, ये बढ़िया ब्रो। यार घर वाले खुश हैं कि लड़का हमारा काम कर रहा है? फ्री नहीं कहूँगा। हाँ घर वाले तो खुश हैं क्योंकि तुम्हारा खर्चा भी निकल जाता है ना, तो आप अभी जैसे आप बोले शेफ हो, तो आपने फ्यूचर में स्विगी सोचा है कि अपना बिजनेस डालने का सोचा है या जॉब करने का सोचा है? नहीं मेरा खुद का मेरा ड्रीम है कि मैं खुद का एक रेस्टोरेंट डालूं। मतलब उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे या कह सकते हैं करके? अभी थोड़ा मतलब कैसा टाइम निकालने के लिए बाई चॉइस मैंने ये जॉब चूज किया है जिसमें मेरा अर्निंग तो हो रहा है, लेकिन क्या आपको अपने को एक न्यू एक्सपीरियंस भी मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, नए बंदे मिलते हैं, नई चीजें, नई आपको तो रोज नए कस्टमर मिलते होंगे जी जी। कोई गुस्से वाला, कोई प्यार वाला है, कोई खुशी वाला, कोई उदास, तो मतलब आपको मतलब दुनिया कह सकते हैं कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। बराबर। तो मतलब आप पैसे के लिए शेफ हो, शेफ हो सॉरी। ओके। तो आप क्योंकि आपने ये लाइन चूज करी, इसका कारण क्या था कि आप मतलब फ्री ये कह सकते हैं ना, फ्रीडम वाली जॉब है? हाँ आप ये कह सकते हो कि इसमें फ्रीडम है, जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हो तो उसमें कैसा आपके ऊपर मैनेजर रहता है, कैप्टन रहता है, बॉस रहता है, तो उन लोग के आपको बातें सुनने पड़ते हैं या आपको पर्टिकुलर टाइम पे आना रहता है, लेट आए तो आपको मतलब कुछ सुनना पड़ता है, तो आपको वार्निंग मिलती है। इसमें कैसा है, आप जितना चाहे उतना छुट्टी मारो, आप जब भी आओ तब भी काम करो, जैसे आप 24 घंटे आपकी गर्लफ्रेंड बुला रही है, मैं आ रहा हूँ बस। नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी, नहीं ऑफ किया, चलो मैं आता हूँ भाई, आता हूँ मुझे आप दोस्त हो कि भाई जाना है घूमने, अपने हाथ में अपने काम को खुद आ जाओ क्या जी, शट ऑन किया, लॉग इन किया आपके हाथ में है, तो मतलब अच्छा है फिर यार आपके हिसाब से जॉब। और अगर कोई बंदा फ्री है, कोई फ्रीडम वाली जॉब चाहता है तो स्विगी बहुत बेस्ट जॉब, बहुत बेस्ट जॉब है। तो थैंक यू स्विगी, आपने हमारे बहुत सारे यंगस्टर को काम दिया और खुश भी है, क्योंकि हमारा ये वीडियो ऐसा होता है कोई टेक नहीं होता, वन टेक है थिएटर की तरह, तो इसलिए हमारे जो दिल में आते हैं हम सवाल बोलते रहते हैं। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और कि भाई आए टाइम निकाल के, मैंने रिक्वेस्ट की भाई 5 मिनट मान के, इनका दिल बहुत बड़ा है। वैसे जिस हिसाब से शेफ हैं, हम इनके पास खा के भी आएंगे इनके रेस्टोरेंट में फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी ब्लॉग बनाएंगे। मतलब भाई आपको कैसा लगा? बढ़िया था और एक नया एक्सपीरियंस था, मेरे लिए फर्स्ट ब्लॉग था, मैंने आज के पहले कभी ऐसा ब्लॉग वगैरह मतलब ना मैं देखता हूँ ना कभी बनाया, तो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस इज बेस्ट। और स्विगी का भी थैंक यू कि आपने इतने इतने अच्छे लोगों को काम दिया है और जिनका घर चल रहा है, तो थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चॉइस किया। नहीं यार इसके लिए आप डिजर्व करते थे, इसलिए मैंने आपको चॉइस किया। तो मिलते हैं भाई जिंदगी में, तो बार बार मिलेंगे नहीं से तो हर इस बार मिलेंगे, ये कहना है, पर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे सर। चंगा नमस्ते।